महाकाल की नगरी उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में शामिल होने अडानी समूह के प्रणब अडानी आए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की बड़ी घोषणा की है। अडानी ग्रुप अलग अलग क्षेत्रों में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि समूह का लक्ष्य राज्य में अपने निवेश को दोगुना करना है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा 5,000 करोड़ रुपए महाकाल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आवंटित किया जाएगा। महाकाल एक्सप्रेसवे उज्जैन से इंदौर होते हुए भोपाल तक जाएगा। प्रणब अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया है, साथ ही देश को ऊपर उठाने के उनके प्रयासों की सराहना की। प्रणब अडानी ने कहा कि राज्य प्रगति की प्रतिबद्धता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अडानी समूह ने 8 मिलियन टन प्रति वर्ष की संयुक्त क्षमता के साथ एक क्लिंकर इकाई और 2 सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयां स्थापित करने में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बनाई। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, आप कृपया रिमोट। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहाँ कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे, और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1,00,000 करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस सम्मेलन में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। मध्य प्रदेश स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स फ्रॉम रोड्स, सीमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन। अवर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट amounts to rupees 18,000 crore and we have created almost 11,000 employment opportunities across the state.